तो यो यो मेरे जिगर के छल्लो यार, मेरा पुराना वाला इंटरव्यू बेटर है, आई मीन बेस्ट है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। एंड कैसे यार तुम लोग, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और देखो, आज का जो चैप्टर है जिसका नाम है द एनिमी, वो आपके बुक का लॉन्गेस्ट एंड द इजिएस्ट चैप्टर है। समझ रहे हो ना, मेरे बातों को ध्यान से सुनना, लॉन्गेस्ट एंड द इजिएस्ट चैप्टर। क्योंकि जब तुम पूरे एक्सप्लेनेशन को पढ़ लोगे, समझ लोगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा क्या था ये, इतना चिंदी सा चैप्टर और हमें ये पढ़ना है। तो विल इससे पहले कि मैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करूं, तुम लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर देना। एंड हाँ, तुम लोग कमेंट करके ये भी बताना कि उस टाइम कौन सा इंस्टा का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि अभी जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं, तब ये वाला ट्रेंड चल रहा है इंस्टा पे। पर देखो एक और चीज, अगर इसे फ्लैट बेली बोलते हैं ना, तो मैं जब भी सांस दबाता हूँ तो मेरा बेली भी फ्लैट ही हो जाता है। खैर वो सब छोड़ो, मेरा काम है एजुकेशन देने का, तो वही काम करता हूँ, अपना धंधा पे वापस आ जाता हूँ। तो चलो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड तुम लोग से, अरे अभी शुरू हो रहा है यार वीडियो, मैं कहां आउट्रो डाल देता हूं यार। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। और हाँ, एक और चीज पूछना था, ऐसे पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, बताना तुम लोग कैसा लग रहा हूँ मैं, कमेंट करके बताना। बहुत ज्यादा मैं पागल हो गया हूँ एक्चुअली। शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हमारे विस्तार बुक के चैप्टर 4 को, जिसका नाम है द एनिमी, और इसे लिखा है स्पर सिटन स्ट्राइक का बक ने। तो ये स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम की है, जब जापान और अमेरिका एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। और इसी टाइम पे एक जापानीज डॉक्टर के घर के सामने उन्हें एक बहुत ही खराब हालत में, बुरे हालत में, चोट लगे हुए हालत में एक अमेरिकन प्रिजनर मिलता है। अब यहाँ पे डॉक्टर के पास दो ऑप्शन होता है, या तो वो उसे पुलिस को सौंप दे ताकि वो मर जाए, जो कि एक जापानी सिटीजन करता है, या फिर उनके पास एक और ऑप्शन था कि वो उस अमेरिकन प्रिजनर का इलाज करे, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे और ये उनकी ड्यूटी थी। तो हमें यही सब कुछ इस चैप्टर में जानना है। मैंने अभी आपको एक बहुत ही छोटा सा समरी दिया है, अब मैं आगे बताता हूँ कि उस डॉक्टर ने उस प्रिजनर के साथ क्या किया, सब कुछ जान जाएंगे हम स्टोरी में। तो चलो स्टोरी को अच्छे से डिटेल में शुरू करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें डॉक्टर सदाओ के बारे में बताया गया है, जिनका जो घर था ना, वो जापान के कोस्ट के पास था, कोस्ट यानी कि समुद्र के पास, ओके। और उनका घर स्क्वायर शेप का था थोड़ा, और उनका जो घर था वो स्टोन सबके ऊपर था। ऐसा क्यों? क्योंकि जापानीज कोस्ट के पास था, तो ऑब्वियसली वहाँ ऊंची ऊंची लहरें आएंगी, तो वो नहीं चाहते थे कि उनका घर डूब जाए या फिर ऐसा कुछ हो। तो ऑब्वियसली उन्हें स्टोन के ऊपर अपना घर बनाना पड़ा, और उसी जगह पे काफी सारे टिल्टेड पाइंस की ट्री भी थी, जो कि झुकी हुई थी और घुमावदार थी, और उस पे डॉक्टर सदाओ बचपन में चढ़ा करते थे, वो भी बेयर फुटेड, यानी कि बिना चप्पल जूते के। फिर डॉक्टर सदाओ बता रहे कि उनका बचपन वहीं पे बीता है, और उनके जो पापा थे ना, वो डॉक्टर सदाओ को अलग अलग आइलैंड्स पे घुमाने ले जाया करते थे। और डॉक्टर सदाओ के जो पापा थे ना, वो हमेशा डॉक्टर सदाओ से बोला करते थे कि ये जो आइलैंड्स है ना, ये जापान के स्टेपिंग स्टोन्स है, जो कि जापान को आगे ले जाएगा। तो जब डॉक्टर सदाओ फिर अपने पापा से पूछते थे कि हमें ये कहाँ ले जाएगा, हमें कहाँ जाना है, तो डॉक्टर सदाओ के पापा फिर बोलते थे कि ये मुझे भी नहीं पता, हु नोज, क्योंकि हमारे फ्यूचर को कोई लिमिट नहीं कर सकता, और ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने फ्यूचर को कैसा बनाना है। और डॉक्टर सदाओ के मन में ये वाली बात अच्छे से छप गई थी, जो उनके पापा ने उन्हें बोला। डॉक्टर सदाओ के पापा उनसे कभी हंसी मजाक नहीं करते थे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनसे प्यार नहीं करते थे, वो उनके लिए बहुत ज्यादा पेन सहे हैं, और डॉक्टर सदाओ के पापा के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर सदाओ को 22 के एज में अमेरिका भेज दिया था, ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में अच्छे से सीख सके, और वो 30 के एज में वापस अमेरिका से लौट भी आए थे। और डॉक्टर सदाओ के जो पापा थे ना, वो अपने मरने से पहले डॉक्टर सदाओ को एक बहुत ही अच्छा और बड़ा साइंटिस्ट और सर्जन बनते हुए देखे थे। और डॉक्टर सदाओ इतना फेमस इसलिए हो गए थे क्योंकि वो एक ऐसे मेडिसिन के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो एक वुंड को, यानी कि चोट जो लग जाता है ना इंसान को, या फिर घाव हो जाता है, या फिर कट जाता है कहीं पे, उसे वो मेडिसिन इजिली ठीक कर दे। तो देखो, मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में क्या बताया था कि उस टाइम जब ये स्टोरी चल रहा है ना, उस टाइम वर्ल्ड वार 2 चल रहा है। तो उस टाइम जो सोल्जर थे वो अलग अलग कंट्री में गए हुए थे, और उनके साथ सारे डॉक्टर्स भी गए हुए थे, ताकि अगर सोल्जर्स को चोट लग जाए तो उन्हें वो ठीक कर सके। पर डॉक्टर सदाओ को वहां इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च कर रहे थे इस वुंड के मेडिसिन के बारे में, इसलिए उन्हें जापान में ही छोड़ दिया गया था, ताकि वो अपने स्टडी को पूरा कर पाए। देखो ये तो रहा एक रीजन, और एक और रीजन था कि वो जापान में इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया था क्योंकि वहां पे जो एक जनरल थे ना, वो काफी ओल्ड हो गए थे, और उन्हें कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, और डॉक्टर सदाओ क्योंकि बहुत ही फेमस सर्जन थे, तो ताकि वो उनकी हेल्प कर सके जब ऑपरेशन पड़ने के टाइम, इसलिए उन्हें वहीं पे छोड़ दिया गया। इन दोनों रीजंस के वजह से डॉक्टर सदाओ को बाहर नहीं भेजा गया। जो हमारी स्टोरी की ऑथर है ना, वो बताती है कि प्रेजेंट टाइम में जब डॉक्टर सदाओ उस कोस्ट के बगल में रह रहे थे, तब वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। अब तुम लोगों को पता है, जब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तब रात में कोस्ट के पास क्या होता है तुम्हें पता ही होगा,
बहुत तेज विंड ब्लो करता है, कोल्ड विंड, और ब्लैक क्लाउड्स छा जाते हैं। तो वही डॉक्टर सदाओ के घर के पास भी हो रहा था, और डॉक्टर सदाओ ये सब चीज बहुत ही मजे से देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उनके आसपास जो आइलैंड्स है ना, वो उस फॉग के कारण, उस ब्लैक क्लाउड्स के कारण सब छुप जाते हैं। और फिर डॉक्टर सदाओ एनालिसिस लगाते हैं और पता करते हैं कि वो जो फॉग है ना, वो धीरे धीरे उनके घर की तरफ भी बढ़ रही है, और उनका जल्दी ही घर भी उस सभी फॉग से ढक जाएगा। फिर वो ये भी देखते हैं कि धीरे धीरे वो जो उनके घर के आसपास जो पाइन ट्री है ना, वो भी उस फॉग से ढक जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर सदाओ अपने रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ पे उनकी वाइफ हाना, जिनका नाम हाना था, वो उनका वहाँ पे वेट कर रही थी दो बच्चों के साथ, और उन्होंने डार्क ब्लू वुलन हरॉयल पहना हुआ था एक क्यूमोनो के ऊपर। अब देखो ये वहाँ का कोई ड्रेस होता होगा, मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा दूंगा, देख लेना। फिर हाना रूम से बाहर आती है और डॉक्टर सदाओ के हाथ में हाथ डाल के खड़ी हो जाती है, और एक बहुत ही प्यारा सा स्माइल देती है। और ट्रस्ट मी, मैं वहां पे नहीं था, पर मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा क्यूट सा प्यारा सा मोमेंट होगा उनके लिए। हाय। अब डॉक्टर सदाओ बताते हैं कि वो हाना से पहली बार कैसे मिले थे। वो बताते हैं हाना से वो पहली बार अमेरिका में मिले थे, जब वो वहां पे पढ़ने गए थे। और डॉक्टर सदाओ बताते हैं कि उन्होंने उनसे बहुत जल्दी मतलब प्यार व्यार करके उनके साथ शादी नहीं कर ली थी, क्योंकि उन्हें पता था उनके फादर कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनकी वाइफ के रूप में ऐसी लड़की को जो प्योर रेस की ना हो। तो फिर उन्होंने टेस्ट किया, चेक किया कि वो जापानीज है, उसके बाद ही उन्होंने उनसे शादी की। डॉक्टर सदाओ ये भी बता रहे कि वो काफी लकी है जो उन्हें हाना एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ वाइफ मिली, क्योंकि अगर वो हाना से नहीं मिलते तो पता नहीं उनके लाइफ में भी क्या चल रहा होता, और उनके लाइफ में भी कौन होती। फिर डॉक्टर सदाओ बता रहे कि वो हाना से पहली बार अमेरिकन प्रोफेसर के घर में मिले थे, और अमेरिकन प्रोफेसर और उनकी वाइफ जो थी ना, वो काफी काइंड थी, क्योंकि वो जो प्रोफेसर थे और उनकी जो वाइफ थी ना, वो लोग हमेशा चाहते थे कि वो फॉरेन कंट्री से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए कुछ करे, उन्हें ट्रेन करे। हालांकि स्टूडेंट काफी बोर हो गए थे उनके घर जा जाके, लेकिन फिर भी स्टूडेंट उनके घर जाते थे उनके काइंडनेस को देख के। डॉक्टर सदाओ बताते हैं हाना से, वो कई बार कहते हैं कि मैं उस दिन, जिस दिन मैं तुमसे मिला, उस दिन मैं शायद प्रोफेसर के घर नहीं जाने वाला था, क्योंकि उनकी वाइफ जो है ना, प्रोफेसर की वाइफ, वो काफी ज्यादा वॉल्यूएबल है, और उनका जो रूम है ना, वो काफी छोटा सा है। लेकिन फिर भी पता नहीं उस दिन डॉक्टर सदाओ को क्या हुआ, और वो प्रोफेसर के घर जाते हैं, और वहां पे वो पहली बार हाना से मिलते हैं। और हाना एक नई स्टूडेंट थी, और वो वहां पे सोचते हैं कि अगर हाना जापानीज होगी तभी वो उनसे लव करेंगे, प्यार करेंगे। यार लेकिन अब तुम लोग बताओ कि कास्ट रीजन सब देख के प्यार करना, ये क्या सही है? छोड़ो, वापस स्टोरी पे आते हैं। तो अब यहाँ पे बता रहे डॉक्टर सदाओ की प्रेजेंट में जब हाना ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, ये टाइम उन्हें बहुत ही ज्यादा प्लेजर दे रहा है। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ के मैरिज के काफी ज्यादा टाइम हो चुके हैं, और उनके दो बच्चे भी हैं, फिर भी उन्हें ऐसा करके बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता था। फिर हमारी स्टोरी की ऑथर बता रही है कि डॉक्टर सदाओ और हाना ने ऐसे ही अमेरिका में जाके शादी नहीं कर लिया था, उन्होंने पहले वहां पे अपना पढ़ाई कंप्लीट किया था, और फिर वो वापस जापान आए थे, और उसके बाद जापान आने के बाद हाना उनके फादर से मिली थी, यानी कि डॉक्टर सदाओ के फादर से, उसके बाद उन्होंने पुराने जापानी स्टाइल में ही शादी किया था, और सब कुछ ट्रेडिशन के हिसाब से ही हुआ था। और देखो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मोमेंट बना जा रहा है। यहाँ पे हाना क्या करती है, डॉक्टर सदाओ के हैंड से अपना फेस को टच करती है। लेकिन 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 ये जो रोमांटिक टाइम था, ये ज्यादा देर के लिए नहीं था, क्योंकि अचानक उन्हें वहाँ फॉग में कुछ अजीब सा दिखता है। फिर वो लोग देखते हैं कि उस फॉग से एक इंसान निकलते हुए आ रहा है, जिसे समुद्र ने मानो फेंक दिया हो, यानी कि वो समुद्र से बह के वहां तक पहुंचा था। और वो जो इंसान था ना, वो क्लियरली नहीं दिख रहा था, उसका बस आउटलाइन दिख रहा था। उस इंसान ने अपना एक हाथ अपने सिर के ऊपर रखा था, और बहुत ही लड़खड़ाते हुए चलते हुए आगे बढ़ रहा था। वो इंसान अचानक से मिस्ट में खो जाता है। तभी डॉक्टर सदाओ की जो वाइफ होती है, हाना जो होती है ना, वो डॉक्टर सदाओ से कहती है, हु इज दैट? वो डॉक्टर सदाओ का हाथ छोड़ती है रेलिंग से उतर के, फिर रेलिंग के नीचे वाले साइड से, जो बालकनी होता है ना उनका, वहां से वो देखती है, तो वो इंसान उन्हें फिर से दिखता है, जो कि क्राउल कर रहा था, यानी कि अब वो खड़ा ठीक से नहीं हो पा रहा था, और अपने हाथों के बदौलत आगे बढ़ते हुए आ रहा था। लेकिन वो इंसान हाथों और घुटनों की मदद से कितना ही आगे आ पाता, वो अचानक से वो इंसान वहीं पे पूरा तरह से गिर जाता है। डॉक्टर सदाओ को लगता है कि वो कोई मछुआरा होगा जो यहाँ पे बह के आ गया होगा। फिर हाना बताती है कि उनके घर के आसपास मीलों तक, यानी कि एक दो मील तक, कोई मछुआरों का टाउन नहीं है, या फिर मछुआरों का कोई टोला वोला नहीं है। और जहाँ पे वो रहती है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा शार्प रॉक्स है, यानी कि तीखे पत्थर है। जैसे ही डॉक्टर सदाओ इंसान के पास पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कि उसके आसपास जो सैंड थी ना, वो काफी रेड हो गई थी। तो फिर वो समझ जाते हैं कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा वुंडेड होगा, यानी कि उसे बहुत ज्यादा चोट लग चुका होगा। और ये देखते ही वो तुरंत उस इंसान के एकदम पास करीब पहुंच जाते हैं, और देखते हैं कि वो इंसान का जो सर था, वो नीचे सैंड की तरफ रखा हुआ था, यानी कि पड़ा हुआ था, और उसने एक ओल्ड कैप पहना हुआ था, और उसका जो कैप था ना, उसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ था, और उसका पूरा ड्रेस भी भींगा हुआ था, और उसका ड्रेस भी जो था ना, वो पूरा फटा पुराना। फिर हाना को रियलाइज हो जाता है कि वो एक व्हाइट मैन है, यानी कि वो एक अमेरिकन है। उस लड़के की एज भी ज्यादा नहीं, वो यंग था, उसके लंबे लंबे बाल थे, और वो उसका जो फेस था ना, वो काफी टॉर्चर
टॉर्चर्ड लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उस इंसान को किसी ने बहुत टॉर्चर किया है। उस इंसान के गोल्डन हेयर्स थे और उसकी जो दाढ़ी थी ना वो काफी अजीब टाइप से हो गई थी क्योंकि उसने बहुत टाइम से सेव नहीं किया था, रफ टाइप से हो गई थी और वो इंसान पूरा बेहोश पड़ा हुआ था। तभी सजाओ को रियलाइज होता है कि वो इंसान वुंडेड है, और क्योंकि डॉक्टर सजाओ जो थे ना वो एक एक्सपर्ट सर्जन थे तो उनके जो हाथ होते हैं ना वो तुरंत उसके बॉडी में उस वुंड को ढूंढने लगती है जो कि उस इंसान के लोअर बैक के नीचे था, यानी कि पीठ के नीचे था। और वो जो चोट थी ना वो किसी पत्थर वत्थर से नहीं लगी थी बल्कि वो गन वुंड थी, यानी कि गोली खाने की वजह से लगी थी। फिर डॉक्टर सदाओ बोलते हैं कि इसे गोली लगे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और इस जहां पे गोली लगा है ना वहां पे ये पत्थर से और टकरा गया जिसके कारण इसके वुंड के आसपास पूरा ब्लैक हो गया है। ये सब देखते देखते हाना अचानक से कहती है देखो ये कितना इसके अंदर से खून निकल रहा है। तभी डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, और ये सब बोलते बोलते तक ही उनका, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट सर्जन थे ना तो उनका जो हार्ट था ना वो काफी ज्यादा ट्रेंड था, तो उनका हार्ट तुरंत मॉस को ढूंढता है उस आइलैंड में आसपास और उससे वो उसके वुंड को कवर कर देते हैं ताकि और ब्लड ना निकले। और यहाँ पे मेरी ऑथर ये भी बता रही है कि इस टाइम पे कोई भी मछुआरा या फिर जो वैल्यूएबल आइटम्स ढूंढते हैं ना सी के पास में, कोस्ट के पास में, वो लोग उस टाइम में नहीं आते थे और उस टाइम काफी ज्यादा फॉग वहाँ पे हो गया था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर डॉक्टर सदाओ खड़े होते हैं क्योंकि उसके वुंड से ब्लड निकलना बंद हो गया था। फिर वो अपने ही सवाल का आंसर देते हैं जो उन्होंने पूछा था कि इस इंसान के साथ क्या करना चाहिए। तो वो बोलते हैं इस इंसान के लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि इसे हम वापस से सी में डाल देते हैं क्योंकि अब इसका ब्लड भी रुक गया है, और अगर हम इसे अपने घर में रखेंगे इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो पुलिस आके हमें पकड़ लेगी क्योंकि उस टाइम अमेरिकन, क्योंकि वो जो इंसान था वो अमेरिकन था और अमेरिका जापान का दुश्मन था। हाना भी डॉक्टर सदाओ के इस सॉल्यूशन पे एग्री करती है, फिर भी वो इंसान को बार बार टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। डॉक्टर सदाओ बोलते हैं कि अगर वो इस इंसान को पुलिस को दे देंगे तो पुलिस इन्हें इसे पूरी तरह से मार देगी और ये इंसान मर जाएगा, तो इस इंसान के लिए सबसे बेस्ट यही है कि इसे सी में ही डाल देते हैं। एक्चुअली बस हाना नहीं बल्कि डॉक्टर सदाओ भी बस उसे देखे जा रहे थे, दोनों इस बात पे एग्री तो कर लेते हैं कि उसे वो सी में डाल देंगे, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है और वो लोग बस वहाँ पे खड़ा होकर उस इंसान को देखे जा रहे थे। फिर हाना डॉक्टर सदाओ से पूछती है कि हु इज ही, फिर डॉक्टर सदाओ उस लड़के के सिर पे जो हैट थी यानी कि जो कैप थी उसे निकालते हैं और फिर उसके अंदर वो देखते हैं लिखा हुआ था कि वो US नेवी का एक पार्ट है, यानी कि वो इंसान एक वार प्रिजनर है जापान का जो कि पहले US नेवी में काम करता था, यानी कि अमेरिका के लिए काम करता था नेवी में। ऐसा डॉक्टर सदाओ इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक कंट्री का जो सोल्जर होता है ना अगर वो दूसरे कंट्री में चला जाता है और वहाँ के लोग और वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं उसे कैद कर लेते हैं तो उसे प्रिजनर बोला जाता है उस कंट्री के लिए। और क्योंकि इस टाइम वर्ल्ड वार टू चल रहा था और जापान और अमेरिका के बीच में बहुत गंदा वाला वार छिड़ा हुआ था, तो ये जो अमेरिकन सोल्जर था ना ये जापान के लिए एक प्रिजनर हुआ। फिर हाना बोलती है कि जरूर ये एस्केप करने का कोशिश कर रहा होगा और इसने एस्केप भी कर लिया होगा, पर एस्केप करने वक्त इसे पीछे से गोली लग गई होगी और इसलिए ये एस्केप करते करते हमारे यहाँ पे बह के आ गया। फिर डॉक्टर सदाओ इस बात पे एग्री करते हैं। फिर डॉक्टर सदाओ बोलते हैं ये कितनी अजीब बात है कि अगर इस इंसान को कोई भी चोट नहीं लगी होती तो हम इसे कितनी आसानी से पुलिस को दे देते क्योंकि ऑल अमेरिकन्स आर आर एनिमी। भले ही ये अलग बात है कि डॉक्टर सदाओ और हाना दोनों अमेरिका से ही पढ़ के आई है, फिर भी अभी के लिए जापान और अमेरिका दोनों एनिमी है एक दूसरे के लिए, इसलिए डॉक्टर सदाओ और सारे जापानीज अमेरिकन को एक एनिमी की तरह ट्रीट करते हैं। और इससे हमें पता चल रहा है कि डॉक्टर सदाओ एक पेट्रियट है, यानी कि उनके अपने कंट्री के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। पर फिर वो बोलते हैं क्योंकि ये इंसान वुंडेड है यानी कि इस इंसान को चोट लगा है तो वो इसे ऐसे ही समुद्र में भी नहीं फेंक सकते हैं क्योंकि एज अ डॉक्टर उनका ड्यूटी है कि वो उस इंसान को ठीक करे, क्योंकि एक डॉक्टर को इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग कुछ नहीं देखना चाहिए और एक इंसान जो वुंडेड है उसे ठीक करना चाहिए। गाइस अगर आपको जानना है ना कि आगे क्या हुआ तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और अगर आप चाहोगे तो मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा, वहां पे एक लिंक होगा उस लिंक को क्लिक करना, वो इस वीडियो का पार्ट टू है और वहां से जाके सब कुछ देख लेना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो बेसर वो लाइक करो अभी वीडियो को। हाँ तो तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।